तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा भी सारी अपडेट हम कब तक करते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से तमाम भर्तियों के बारे में आप सभी को जानकारी समय समय पर दी जाती है, तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और साथ में शेयर कर दें, जिससे कि और भी छात्रों को जानकारी मिल पाए। जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़े मुद्दे हैं तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर बेरोजगारी। लेकिन इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ना तो भारतीय मीडिया के अंदर जगह है, ना ही स्थानीय मीडिया के अंदर जगह है। अगर थोड़ी बहुत जगह बची है तो सोशल मीडिया पे भी है। अब उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जैसा कि आप सभी के सामने रोज नई नई खबरें देखने के लिए मिलती हैं। सोनू सूद को भी आप सभी जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, और भी तमाम चीजें आप सभी के सामने आई रही हैं। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के छात्रों की तरफ से रोजगार की मांग की जा रही है, जिसको लेकर समय समय पर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन, ट्विटर वार या फिर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। भले ही सरकार की तरफ से कभी छात्रों के साथ में या फिर छात्रों के लिए जो बात है वो नहीं की जाती है, और वैसे भी बहुत सारी मन की बात तो आपको देखने के लिए मिली है, लेकिन रोजगार या फिर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कोई बात अभी तक नहीं हुई है, ना ही किसी के माध्यम से की जाती है। अंत में छात्र हताश होकर, निराश होकर कहीं ना कहीं अपने इस प्रकार के जो कार्य वो करते हैं, जिसके माध्यम से सरकार को जवाब भी देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का आयोजन किया गया, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो उत्तर प्रदेश के छात्रों की तरफ से था, क्योंकि लगातार बहुत सारी भर्तियों को लेकर मांग की गई। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज देखने के लिए मिली, लगभग 2 मिलियन के आसपास ट्वीट हुए, लेकिन मुद्दा पहले नंबर पर नहीं पहुंचा। या तो कोई टेक्निकल समस्या या फिर ट्विटर की टीम की वजह से ऐसा किया गया, अदरवाइज कोई और मुद्दा नहीं बनता कि ये जो मुद्दा है वो पहले नंबर पर नहीं जाता। दूसरा पॉइंट आप सभी ने देखा कि छात्रों को लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्य भी देखने के लिए मिले आईटी सेल की तरफ से। हालांकि छात्रों ने लगातार अपनी जो ताकत का जायजा है वो दिया और सरकार को इस बात को बता दिया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, अगर सरकार रोजगार के मुद्दे को लेकर या फिर भर्तियों के मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं होती है तो छात्र इस प्रकार की ताकत अगर जमीनी स्तर पर दिखाते हैं तो सरकार के लिए और भी समस्या हो सकती है, क्योंकि सरकार ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का जो बर्थडे मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीजें वो देखने के लिए मिलेगी। सरकार को कहीं ना कहीं एक झटका तो अवश्य लगा होगा। भले ही छात्रों की जो ताकत आज की तारीख में ट्विटर पे देखने के लिए मिली है ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन सरकार इन मुद्दों को लेकर कब बोलेगी ये भी काफी बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी बीच अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, एक और ट्विटर वार आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए था। सरकार की यहाँ पर भी किरकिरी होती हुई दिखाई दी। हजारों की संख्या में छात्रों की तरफ से कहा गया कि लाखों जो पद है वो खाली है, लेकिन ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास पद ही नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कमेटी बनाकर छात्रों को यहाँ पे ये कहा जाता है कि नई भर्ती को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दोनों ही अलग अलग चीजों को लेकर आज की तारीख में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी जो ट्वीट है वो आपको देखने के लिए मिले, जिसके अंदर लगभग 91,000 से ज्यादा ट्वीट आप सभी के सामने आते हैं। छात्रों की मांग है कि बेरोजगार यहाँ पर UPPRT का विज्ञापन चाहते हैं। सरकार की तरफ से कमेटी का गठन तो किया गया है, लेकिन अभी तक ना तो UPTET करवाया गया है और ना ही आगे की कार्यवाही देखने के लिए मिल रही है। आगामी समय चुनाव का है। छात्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो हजारों छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है। आज की तारीख में भी लाखों छात्रों की तरफ से सरकार के ऊपर कहने की जो किरकिरी करते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की गई, लेकिन अब ऐसे में सरकार क्या फैसला लेगी और कब तक लेगी ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में GIC प्रवक्ता को लेकर। आज की तारीख में हजारों छात्रों की तरफ से GIC प्रवक्ता को परीक्षा को स्थगित किए जाने को लेकर बहुत सारे जो पत्ते हैं वो भेजे गए। हालांकि छात्रों ने ट्विटर पर भी ट्विटर बाद रखा था, वहां से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी सी कम रही। ऐसे में बहुत सारे छात्रों का ऐसा कहना है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। पोस्टपोन UPGIC परीक्षा को लेकर, मतलब GIC लेक्चर एग्जाम डेट 19 सितंबर 2021 की जो बात है वो की जाती है।
नीचे लिखा है एक्सपेक्टेड सर को लेकर जानकारी आप सभी के सामने दी गई। अध्यक्ष के बारे में उनका कहना है कि इमरजेंसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है हैवी रेन के कारण, ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए वाटर लोडिंग को लेकर या फिर अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल और विद्यालय सभी बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर छात्रों की तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट करते हुए GIC एग्जाम प्रीलिम्स को यहाँ पर पोस्टपोन किए जाने की जो मांग है वो की गई है। यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पाए कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी बताया गया कि इमरजेंसी हॉलीडे दिए गए हैं जो कि सभी स्कूल साथ में कॉलेजेस के लिए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए एग्जाम सेंटर को लेकर, वो भी काफ़ी ज़्यादा दूरी पे बनाए गए हैं और ऐसे में बहुत सारे जो एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति का सामना देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे में इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर GIC प्रवक्ता की परीक्षा को पोस्टपोन किए जाने को लेकर आयोग को यहाँ पर जो पत्र है वो भेजा गया है। हालांकि आप जानते हैं कि परीक्षा के अंदर 2 दिन का समय शेष है, लगता नहीं है कि UPSC की तरफ से ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा। इसीलिए मैं उन सभी छात्रों को एक लाइन में बताना चाहूँगा कि आप सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहें, अपने आसपास की जो भी दूरी पर परीक्षा के अंदर वहाँ पर जाकर पहुँचने का प्रयास करें, क्योंकि आयोग की तरफ से परीक्षा स्थगित किए जाने की संभावना बिल्कुल 0% है। भले ही यहाँ पर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आपका पेपर भी छूट सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है TGT PGT 2021 को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा तो आपकी हो गई है और परीक्षा के बाद ही आपका जो विवाद है वो शुरू हो गया है। जब से आप सभी की परीक्षा हुई TGT की, उसके बाद से यहाँ पे आरोप लगे भ्रष्टाचार को लेकर, धांधली को लेकर, पेपर आउट को लेकर। मामला कोर्ट में भी गया, मैंने आप सभी को पहले से बता दिया कि चयन बोर्ड की ओर से काउंटर दाखिल कर दिया गया है। अब ऐसे में यहाँ पे छात्रों की तरफ से रिजाइंडर दाखिल किया जाएगा और जब काउंटर रिजाइंडर पर बहस होगी उसके बाद में कोई अंतिम फैसला आप सभी के बीच में आएगा। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए TGT और PGT को लेकर, एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे चयन बोर्ड कहीं ना कहीं अवमानना की कार्यवाही के अंदर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में मामला ये है कि TGT की जो परीक्षा करवाई गई थी उसके अंदर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, उसी के बारे में यहाँ पे एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई है जो कि चयन बोर्ड के खिलाफ है। मैं आप सभी को यहाँ दिखाना चाहूँगा, आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है फाइल की गई है। अगर बात की जाए 1683/2021 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी नीचे देख पाए सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड अदर्स के खिलाफ ये याचिका दाखिल की जाती है। इसके अंदर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऊपर अवमानना याचिका दाखिल करते हुए सवाल खड़े किए गए हैं कि चयन बोर्ड की ओर से जो दावे किए गए थे परीक्षा के अंदर, साथ में जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया था कि परीक्षा केंद्रों के ऊपर काफ़ी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलेंगी, CCTV कैमरे के अंदर आपकी जो परीक्षा वो करवाई जाएंगी, किसी भी परीक्षा केंद्र को लेकर अगर कोई घटना देखने के लिए मिलती है तो उसके जो जिम्मेदार होंगे वो अधिकारी साथ में चयन बोर्ड होंगे, और भी ऐसा कुछ आदेश आप सभी को देखने के लिए मिला था हाईकोर्ट की तरफ से। उसी आदेश के बिहाफ पे यहाँ पे याचिका दाखिल करते हुए चयन बोर्ड के ऊपर यहाँ पे अवमानना याचिका की जो कार्यवाही के लिए याचिका फाइल की गई है, जिसकी सुनवाई होगी तो आप सभी को सबसे पहले जानकारी दे ही दी जाएगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो चयन बोर्ड है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या होगा आगामी समय के अंदर, ये तो सुनवाई के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक याचिका दाखिल की गई थी जिसके अंदर फिलहाल जो अगली तारीख है 4 अक्टूबर की लगी हुई है। अब ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर भी सुनवाई होने वाली है, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें दरोगा भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा 2 से 4 दिन पहले एक तारीखें वायरल हुई थी जिसके अंदर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी कि दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है वो कब करवाई जाएंगी। उसी क्रम में समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष और साथ ही अगर बात करें और भी तमाम लोगों को एक पत्र भेजा गया है जो कि पुलिस विभाग की तरफ से है। उनकी तरफ से जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर जो आप सभी की भर्ती करवाई जाएगी लगभग 9,500 पदों के लिए, उसके लिए जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन होगा 20 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 ग्यारह 2021 के बीच में करवाया जाएगा, जिसके क्रम में जानकारी आप सभी के सामने दी जाती है। तो इससे पहले जो आपकी परीक्षा की तारीखें वायरल हो रही थी वही सेम तारीखें आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि आयोग की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पे आपकी जो परीक्षा है वो घोषित नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ से पत्र भेजे जा रहे हैं पुलिस उपनिरीक्षक की तरफ से, एक बात स्पष्ट है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 20 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 नवंबर 2021 तक ही देखने के लिए मिलेगी। और भी तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।